जनसंख्या के अनुपात में एक नगरी निकायों को कम से कम 20 लाख से लेके 11 करोड़ रुपए तक साइज के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से बड़े हैं उनको ज्यादा, और अगर छोटी नगर पंचायत है तो उनको उसके हिसाब से। ये राशि मैंने सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की है और इस राशि का उपयोग पेयजल व्यवस्था के लिए, सीवरेज तथा नाली निर्माण के लिए, सड़क निर्माण के लिए, सड़क मरम्मत के लिए, कई जगह गड्ढे सड़क में गड्ढे हैं, अगर भरने की व्यवस्था नहीं है तो फिर होगा क्या, तो सड़क मरम्मत भी की जा सकती है, अधोसंरचना विकास के काम किए जा सकते हैं, गंदी बस्तियों में भी अधोसंरचना निर्माण के काम किए जा सकते हैं, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, ई गवर्नेंस, शहरी सुधार, अग्निशमन सेवाएं, अनेकों काम ऐसे थे जिनकी जरूरत थी। अब इस राशि से आप तात्कालिक ये काम संपन्न कर पाएंगे। पिछले कुछ दिन पहले ही हमने ग्राम पंचायतों को, सभी 22,800 ग्राम पंचायतों को 1555 करोड़ की राशि दी थी ताकि ग्राम पंचायतों में विकास के काम हो सके, और आज नगरीय निकायों के खाते में ये पैसा गया है। आप सब जानते हैं कोविड का संकट है, कोरोना से हम सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। मुझे बताती हूँ, खुशी है कि मध्य प्रदेश में काफी कुछ हमने नियंत्रण किया है, अब जितने पेशेंट आ रहे हैं लगभग उतने ही स्वस्थ होके जा रहे हैं। तो हमारे पास जो एक्टिव पेशेंट्स है, मतलब जो अस्वस्थ अस्पतालों में भर्ती है, उनकी संख्या चिंताजनक नहीं है, और नीचे तक की भी हमने ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी की है कि लोग कहते हैं कोरोना का पीक तो अब आएगा, जून के अंत में आएगा कि जुलाई में आएगा, उस समय भी इलाज में दिक्कत ना हो, इसका प्रबंध हमने किया है। आप सब नगरीय निकायों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, कोरोना की कोई दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, एक ही दवाई है, मुंह पे मास्क लगाएं, जब घरों के बाहर निकलें तो आपस में ना मिलें, दूरी रखें 6 फीट की, 2 गज की, साबुन से बार बार हाथ धोएं, सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपको अपने अपने नगरीय निकाय में सबको समझाना है। लॉकडाउन हम अनंत काल तक जारी नहीं रख सकते, आखिर आर्थिक गतिविधियां भी जरूरी है, इसलिए फैक्ट्री चलाने का, दुकान खोलने का फैसला लिया। लेकिन कई जगह मैं देख रहा हूं भारी भीड़ उमड़ पड़ती है, और भीड़ इस स्वरूप में इकट्ठी होती है कि कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। अब कौन रोकेगा इसे, जवाबदारी आपकी है, क्योंकि आप नगर को लीड करते हैं, इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करवाएं, दुकानों में 5 से ज्यादा लोगों की भीड़ ना रहे, बाजारों में एक साथ भीड़ ना निकले,
मास्क हर हालत में लोग लगाए, गांव में खतरा ज्यादा नहीं है, अगर खतरा है तो शहरों में जहां घनी आबादी है। तो हमें शहर बचाना है, जनता की सुरक्षा करना है, उसे सावधान करना है। इसमें भी नगरीय निकाय सहयोग करें, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबका सहयोग मिलेगा। आप सबसे एक और निवेदन करना चाहता हूं, इस कोरोना ने कमर तोड़ दी है व्यापार की, उद्योग धंधे काम सब चौपट हो गए थे, अब हमको फिर से खड़ा करना है। इसलिए संकट के बावजूद भी, वित्तीय स्थिति गड़बड़ होने के बावजूद भी, हमने समाज के हर वर्ग की सेवा सहायता करने की कोशिश की है। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि दी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन गेहूं तो आप जानते ही हैं भरपूर बांटा है हमने, पहले 3 महीने का, फिर 2 महीने का, इसके बाद अब फिर बांटेंगे, राशन की कमी नहीं आने देंगे। निर्माण मजदूरों के, श्रमिकों के खाते में पैसे डाले, किसानों को फसल बीमा योजना का पैसा दिया, विपरीत परिस्थितियों में रिकॉर्ड तोड़ खरीदी की, एक नहीं कई काम किए। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी वो अद्भुत नेता हैं, भारत का नहीं कई मामलों में विश्व का को दिशा दिखाने का काम करते हैं। उनके नेतृत्व में हमने कोविड की लड़ाई लड़ी है, और अभी भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का अनाउंस किया। मेरे वो जो गरीब भाई बहन है, जो दुकानदार छोटे छोटे हाथ ठेला पे रख के फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, गुमटी पे चाय बेचने वाले, ठेला लगा के पानी पूरी बेचने वाले, गोलगप्पे बेचने वाले, फुटपाथ पर रख के कोई सामान बेचने वाले, हमारे नाई भाई कुर्सी जमी है कहीं भी, वहीं साबुन लगाई, दाढ़ी बनाई, उसी में से खर्चा चलाया, हमारे टेलर दर्जी, छोटा छोटा व्यवसाय करने वाले मेरे भाई बहन जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, कोरोना ने उनकी हालत भी खराब कर दी है, अब उनके काम धंधे फिर से चालू करना है। उनको हम सड़कों पर नहीं छोड़ सकते। मेरे गरीब बहनों और भाइयों के लिए हमने फिर से संबल योजना चालू कर दी है, उनकी बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम, फीस की व्यवस्था। और आप जानते हैं, आपको बता भी रहा हूं, फीस चाहे मेडिकल कॉलेज की हो, इंजीनियरिंग कॉलेज की हो, बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम की हो, वो फीस भी मामा भरवाएगा, सरकार भरवाएगी। संबल उनकी जिंदगी बदलेगी, बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000, जन्म के बाद 12,000 रुपया देने की व्यवस्था, ताकि गरीब बहन कम से कम बेटा बेटी को जन्म देने के बाद कुछ दिन आराम कर सके, पहले भी थोड़ा आराम कर सके। बिजली के बिल जिनके 100 रुपये आते थे पिछले साल मई जून अप्रैल में, इस साल भैया 50 ही लेंगे उनसे। ये बड़े बड़े बिल देख के घबराना मत, तो सबको छोटा कर दूंगा। इसलिए 100 की जगह 50 रुपया, जिनके 100 से लेके 400 के बीच आए उनसे 100 रुपया, और जिनके यहां बिजली ज्यादा जली और 400 से ज्यादा आए उनको आधा बिल जमा करना है, बाकी जांच के बाद देखा जाए।